तो आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट दिल्ली स्टूडियो से, मैं हूं मीर भट्ट, मेरे साथ अनीशा धमन है और इस समय देखते हैं इंडिकेटिव टिक्स क्या बता रहे हैं मार्केट्स के लिए, बिकॉज आज जो क्यूज थे वो कुछ हद तक फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव ओपनिंग इंडिकेट कर रहे थे इंडिकेटिव टिक्स में। तो निफ्टी 123 पॉइंट ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी ये पहला टेक आया है। सेंसेक्स करीब 70 पॉइंट्स ऊपर है इंडिकेटिव टिक्स में, 32,493 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज इंडिकेटिव टिक्स में। लेकिन एक्शन जिन स्टॉक्स पर है उनकी हम एक बार बात करते हैं। कल हमने देखा था कि जो गेनर्स थे, हैवी वेट्स थे, उसमें L&T की तरफ से काफ़ी अच्छा रुझान था, रिलायंस की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, ICICI की तरफ से ठीक सपोर्ट देखने को मिला था। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप आज नज़र रख सकते हैं। रिलायंस हरे निशान में है, L&T को एक बार देखते हैं, और साथ ही HDFC बैंक पर, खैर अभी जो शुरुआती टिका है वो बड़ा एक्सट्रीम था और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर भी इनफैक्ट एक्सट्रीम टिक देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल आज सेटअप जिस तरह का था, या फिर इंटरनेशनल क्यूज जिस तरह के थे, उसकी तुलना में भारत में थोड़ा सा टेक्निकल्स जो हैं वो मार्केट पर हावी होते हुए, और रुपए की ओपनिंग हुई है 64.18 पर, ये खुला है 64.13 के मुकाबले। तो शुरुआती टिक्स है, लेकिन सेंसेक्स 88 पॉइंट ऊपर है, 32,513 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है हेमंत कि खुलने के बाद मार्केट कोशिश करे थोड़ा बहुत गेंस लेने की, अपसाइड भले ही कैप्ड हो, लेकिन जिस तरह के इंटरनेशनल क्यूज हैं आई थिंक डाउनसाइड भी लिमिटेड है इंट्राडे बेसिस पर। देखिए मीर, डाउन साइड डेफिनेटली बुल्स के फेवर में, और आप या जो हम पॉइंट पहले रेज कर रहे थे, फॉलिंग ऑफ विक्स ऑलवेज हेल्प्स बुल्स, तो ये इसमें कोई दोराई नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट है फेड का, उसके सामने भी विक्स ड्रॉप हो रही है। इंडियन मार्केट्स की नहीं, मैं ग्लोबल मार्केट्स की विक्स भी बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, पूरे ग्लोबल मार्केट्स की विक्स नीचे आ रही है। तो इससे दो चीजें क्लियर हो रही हैं, पहले जो डर था कोरिया का वो सबसाइड हो रहा है, दूसरा फेड की इवेंट का भी कोई खास डर जो है वो मार्केट्स को नहीं लग रहा है। तो ओनली थिंग जो मैंने आपको बोला, मुझे एक ही डेटा पॉइंट पे कल जो हो रहा है कि आज भी 10,200 का कॉल राइटर कैसे रिएक्ट करता है वो जरूरी है। अगर हम कभी भी इसको अनवाइंड करा पाते हैं तो डेफिनेटली द रैली विल एक्सटेंड इटसेल्फ। करंटली 10,250 तक रैली लग रही है एंड इट्स डेफिनेटली अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। ठीक है, बाय ऑन डिप्स मार्केट रहेगी। राजेश, जो अभी तक तो प्री ओपन में ओपनिंग काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, आप IT स्टॉक्स में कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे? इन्फोसिस में कुछ न्यूज़ भी जुड़ी हुई है, उन्होंने एक फ्रेंच कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है 7 ईयर्स के लिए, IT स्टॉक्स में कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, IT स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट खेल रहे हैं, इन्फोसिस में भी हमारा लॉन्ग है, हमें लगता है कि 940 तक के टारगेट इन्फोसिस में आने चाहिए। इट्स अ रिलीफ रैली, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 880 का है। आउट ऑफ मिड कैप मुझे लगता है माइंट्री बेटर लगता है इन IT पैक। माइंट्री में लॉन्ग हमने इनिशिएट किया है, 445 के आसपास का लॉन्ग है, टारगेट इज 485। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं टेक्निकल थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, 472 का एक रेजिस्टेंस है जो कल माइंट्री ने टेस्ट किया, अगर 472 के ऊपर आज सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 465। इन दैट केस जो 485 का टारगेट है वो तो आएगा ही, लेकिन ये नया टारगेट अनफोल्ड करेगा, रफली पोजिशनल बेसिस पे 510 का टारगेट अनफोल्ड होता है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इन माइंट्री, दैट विल बी 472, वन कैन गो लॉन्ग अबव 472। बिल्कुल, इस बीच आप देखिए आज जो मूवमेंट है इसमें कोल इंडिया है, वेदांता है, हिंडालको है, ये सारे काउंटर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव बायस के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक थोड़ा सा फ्लैट है इस समय, लेकिन निफ्टी अब स्टेबलाइज हुआ है, तो अब जो लेवल्स हैं यहाँ पर वो करीब 26 पॉइंट का गेन निफ्टी पर दिखा रहे हैं, अराउंड 10,180 के आसपास, और सेंसेक्स 102 पॉइंट ऊपर है। अगर मार्केट आज होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमें देखना होगा कि क्या सेंसेक्स भी आज अपना नया हाई हिट करता है, जो कि कल ये चूक गया था। लेकिन आज सुबह ट्रेड ओपन होने से पहले हमने आपको कुछ एक स्टॉक्स रेकमेंड किए थे, तो फास्ट मनी की पिक्स कौन सी हैं वो एक बार देख लेते हैं। आज का पहला शेयर जस्ट डायल था, जो कि आपको रेकमेंड किया गया था खरीदारी के लिए। 421 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखिए और 406 पर स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। ऑयल एंड गैस स्पेस से IGL आज यहां पर भी स्ट्रांग मूव देखने को मिल सकता है। 1480 के टारगेट्स को आपको अपने रडार पर रखना है, 1426 पर स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करके रखें। मैग्मा फिनकॉर्प स्पेस में भी आज मूव देखने को मिल सकता है, 189 के टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं, 181 पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और फार्मा स्पेस जहां पर लगातार मूव है, यहां पर बायोकॉन में अगर देखा जाए तो खबरों का असर देखने को मिल सकता है,
का है, 365 का टॉप टारगेट आपको मेंटेन करना है और साथ ही 353 पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ईपीएस शेयर आपको मुथूट फाइनेंस का बताया गया है 525 के टारगेट्स के लिए और 503 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके रख सकते हैं। अगला शेयर आपको रडार पर रखना है रियल एस्टेट स्पेस से शोभा लिमिटेड का, 415 का टारगेट और 400 का स्टॉप लॉस। टाइड वाटर यहां पर भी आपको ध्यान रखना है 6700 के टारगेट के लिए और 6450 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए। सोमानी सेरेमिक्स ये आपके रडार पर होना चाहिए, आज 797 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। और गेल में भी आप डेफिनेटली अपने रडार पर रखिए, 415 के टारगेट्स यहां रेकमेंड किए जा रहे हैं। आज का सुपर हिट शेयर आपके रडार पर होना चाहिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, 2990 के टारगेट्स के लिए आपको यहां रेकमेंडेशन दी जा रही है। फार्मा शेयर पे आप नजर रखें, सन फार्मा पहला स्टॉक था मेरी लिस्ट में, इसमें खरीदारी करें तो 535 रुपए का टारगेट प्राइस, 526 का स्टॉप लॉस रखें। भारत गैस इसमें आज तेजी बढ़ी तो 165 तक की चाल देखने को मिल सकती है। सरकारी शेयरों में आईटीआई पे नजर रखें, 110 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 9950 का स्टॉप लॉस रखें। टाटा मोटर्स यहाँ पे पेरेंट हिस्सा बढ़ाने की योजना बना रहे, उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहा तो 418 का टारगेट प्राइस हो सकता है, 401 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें। बतौर ईपीएस मैंने आज इंडियाबुल रियल एस्टेट को शामिल किया है, एफएनओ से बाहर हो रहा है, उसका एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, 255 रुपए का टारगेट प्राइस, 240 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स एक रेटिंग अपग्रेड की खबर है, आज 840 रुपए का टारगेट, 816 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। एनएचपीसी इनके एक प्लांट की दो यूनिट दोबारा शुरू हुई है तो आज 29 तक की चाल देखने को मिलेगी, 2790 का आप स्टॉप लॉस रखें चले। डीएलएफ जिस तरह से सेबी बैठक के कुछ फैसले आए हैं उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रियल एस्टेट में हो सकता है, आज टारगेट होगा 192 का स्टॉप लॉस रखें। ग्लेनमार्क फार्मा ब्रोकिंग हाउसेस टारगेट प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं इस कंपनी को लेकर, आज 620 रुपए तक के टारगेट लेकर खरीदारी करें, 601 रुपए आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और बतौर सुपर हिट शेयर मैंने एचसीएल इन्फो को शामिल किया है, कल भी तेजी अच्छी थी आज जारी रही तो आज 5760 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, 5180 का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। इस बीच 22 पॉइंट ऊपर निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में इस समय दिख रहा है और जिस तरह के संकेत हैं इसमें देख भी लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स पर रुझान अच्छा देखने को मिल सकता है। एज पर इंडिकेटिव टिक्स अगर हम देखें तो जहां पर अच्छी मजबूती है इन स्टॉक्स में, एक तो गेल है 3.5% ऊपर, साथ ही टाटा मोटर्स ये करीब 2.5% ऊपर दिख रहा है, अंबुजा सीमेंट्स, M&M और भारती, इन पर अच्छा रुझान है। टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है राजेश? मेरा हमें लगता है टाटा मोटर्स एक पॉजिटिव काउंटर है, डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। बट अगर आज गैप अप होता है जैसे मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे 418 के आसपास अगर मिले तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हमें लगता है ये कंसोलिडेट करेगा रफली 418 से लेके 395 तक, जहाँ पे डिप्स भी मिलेंगे और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। द जस्ट इज दिस इज अ बाय ऑन डिप काउंटर, अगर डिप मिले तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। इसका जो पोजिशनल टारगेट है एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज दैट इज 440 प्लस। ठीक है, टाटा मोटर्स पे स्ट्रैटेजी आ रही है। राजेश, मैं आपसे गेल के बारे में भी जानना चाहती हूँ। इस साल गेल का हाई 433 के करीब है, पर आपको लगता है कि ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा स्टॉक है? पिछले 3 साल में मतलब सेम प्राइस पर ही है गेल, कुछ ज़्यादा बिग रिटर्न नहीं मिला। अगर किसी ने 3 साल पहले लिया होता है स्टॉक को तो ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। देखिए गेल एक ऐसा काउंटर है जो अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखता, बट एट द सेम टाइम जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको डेफिनेटली गेल से फ़ायदा होता है, क्योंकि गेल में रेंज जो है वो बहुत डिफाइंड होती है, इसमें बाय ऑन डिप करना होता है एट पर्टिकुलर लेवल। जैसे कि अगर करंट भाव से भी देखें तो गेल का जो टेक्निकल लेवल था दैट इज़ 390, सो इट इज़ लाइक दैट कि अगर आप 390 के ऊपर बाय करते हो तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 440। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, लाइक 8-10% का गेन है वो आपको राइट टाइम राइट लेवल पे लेना है। तो अगर गेल को एट करंट लेवल भी एंट्री करना है तो थोड़ा सा रिफ्रेन करिए, अगर गैप अप होता है तो मुझे लगता है 415-416 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये लेवल तोड़ दे गेल तो डेफिनेटली फिर से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसका टारगेट रहेगा 430 प्लस का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिस इज शॉर्ट टर्म कॉल, छोटे छोटे कॉल्स है, इन्वेस्टमेंट में ही इसमें पैसा मिलेगा, ट्रेडिंग में ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन लेके रखना पड़ता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। इस बीच एक बार मिड कैप के गेनर्स को देख लेते हैं जिनमें अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एक तो बायोकॉन, इस पर आप नज़र रख सकते हैं, आज भी इंटरेस्टिंग मूव है। बायोकॉन करीब 3.5% ऊपर है और साथ ही DHFL इस काउंटर पर 1% का मूव है। इंडिया सीमेंट्स, IGL और IRB इंफ्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर इंटरेस्टिंग मूव है। बायोकॉन पर हेमंत क्या सलाह है आपकी? मीर एक बार आप रिपीट करेंगे, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। बायोकॉन पर क्या व्यू है आपका हेमंत?
देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया मीर, मिड कैप फार्मा में बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली वापस आ रहा है। मैंने ग्रैनुअल्स चूज किया है, बायोकॉन, क्योंकि अब गैप अप खुल रहा है और तो मेरे हिसाब से जो तेजी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, 375 का टारगेट होना चाहिए। बायोकॉन वॉज एट अ रेजिस्टेंस तो वो तो क्लियर ही हो जाएगा गैप अप के बाद, तो 358 के ऊपर ट्रेड करेगा अब तो पहला टारगेट 375 का ही होना चाहिए। बट ऑल मिड कैप फार्मर्स, आई विल पुट इट दैट वे, आर शोइंग स्ट्रेंथ, तो मेरे हिसाब से बायोकॉन इज ऑल्सो अ बाय। सिर्फ एक रेजिस्टेंस था जो गैप अप के बाद मेरे ख्याल निकल जाएगा, सो आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 375-380 ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो ये एडवाइस आ रही है बायोकॉन पर। अविनाश, कुछ मेटल काउंटर्स में आज थोड़ी सॉफ्टनेस है, जैसे जो लीडिंग काउंटर्स है हिंडाल्को और टाटा स्टील, उनके लिए आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है? आपको लगता है बायो डिप्स करना चाहिए? मेरे ख्याल से टाटा स्टील में जरूर बायोन डिक्लाइन करना चाहिए। हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स टाटा स्टील के लिए काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे रहेंगे। नॉट ओनली मेटल प्राइसेस अभी भी फर्म है, लेकिन जिस प्रकार का पेंशन लायबिलिटी का प्लान यू नो फ्रक्टिफाई हो चुका है, हमको लग रहा है कि टाटा स्टील को डेफिनेटली अपने ग्लोबल ऑपरेशन से यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हमको लग रहा है कि टाटा स्टील डेफिनेटली कैन बी अ गुड काउंटर इफ वन टेक्स द नेक्स्ट 6-12 मंथ्स। आई थिंक मेटल स्पेस में काफ़ी हद तक प्राइसिंग यू नो फर्म है, स्टॉक्स काफ़ी चढ़ चुके थे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव टाटा स्टील डेफिनेटली लुक्स गुड। राजेश, जिस तरह की ओपनिंग एक्सपेक्टेड है आज, एक्चुअली लगाड़ अगर कोई होगा तो वो होगा निफ्टी का बैंकिंग स्पेस। अगर आप देखें निफ्टी बैंक, उसमें एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और ये इनफैक्ट हार्डली 12 पॉइंट ऊपर है, लेकिन निफ्टी फिर से एक बार नए हाई पर ओपनिंग के संकेत दे रहा है, 10,175 पर जाकर ये रुका है। अभी अगर होल्ड कर जाता है तो क्या इंट्राडे बेसिस में हम एक्सपेक्ट करें कि रिलायंस या फिर ITC या फिर LNT या फिर ICICI, इनकी बदौलत मार्केट आज ही 10,200 को हिट करने की कोशिश करेगा? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है डेफिनेटली, क्योंकि आप देखो ना, अगर आप SGX निफ्टी देखिए और अपना मार्केट देखिए, तो जो बायस है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि 4-5 भी जो हेवी वेट्स है वो बाजार को संभाले तो बाजार का काम हो जाता है। और ज़्यादा वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग मच इन निफ्टी, लाइक 25-30 पॉइंट्स भी अगर निफ्टी में मिले तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आज के लिए भी देखे तो मुझे लगता है मीर कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि एक बार ये 10,270 का मेरा टारगेट है निफ्टी का, और बायस मेरा यही रहेगा कि अगर निफ्टी डिप देता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग। मेरा जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा हूं मैं वो रफली रहेगा 10,100। मीर, आपने बैंक निफ्टी की बात की, देखिए बैंक निफ्टी में भी 25,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग था, वहाँ उसका टेक्निकल लेवल तो ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है अबाउ 25,000 वन शुड गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रफली 24,900 का मेंटेन करना है, और जो टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 25,400 का, जो मेरा अभी फिलहाल अनफोल्ड हो रहा है। अगर बैंक निफ्टी के काउंटर्स की बात करें तो आप देखिए ICICI बैंक, इसमें अभी तक मोमेंटम आया नहीं है। ICICI बैंक इज कंसोलिडेटिंग अबाउट 290 ऑड लेवल, तो अगर मुझे पिक करना है तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ICICI में फेवरेबल है, सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन ICICI बैंक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 285। मेरा टारगेट रहेगा 310 का। बिल्कुल, चलिए, तो मार्केट खुलने वाला है और इसी के साथ जो ओपनिंग है वो फिर से एक बार रिकॉर्ड लेवल पर हो सकती है, बट विद अ मार्जिनल अपसाइड 10,175 पर। कल 10,171 का हाई निफ्टी ने हिट किया था और ये करीब 22 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। जो सेंसेक्स का हाई है वो अभी भी दूर है, जो कि 2 अगस्त को इसने बनाया था, वो था 32,686 का, तो वो जो लेवल है वो यहाँ से अभी भी थोड़ा सा दूर है। और आज संकेत जिस तरह के हैं, शायद हो सकता है कि ये आज भी हिट करने से इसे चूक जाए, लेकिन कल हमने स्मॉल कैप में भी नया हाई बनते देखा था, तो आज भी अगर उसी तरह की ब्रेथ मेंटेन होती है फॉरगेट द नेट गेन, तो भी मार्केट के सेंटिमेंट के लिए ये अच्छा साबित होगा, खासकर बुल्स के लिए। कल जिस तरह का सेटअप था उसके बाद आज भी अगर अच्छी ब्रेथ देखने को मिलती है तो 10,175 पर जाकर निफ्टी रुका हुआ है करीब 22 पॉइंट ऊपर, लेकिन गेल, टाटा मोटर्स ये काउंटर्स हैं जो कि आज मार्केट में ओपनिंग में अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं, और उसी लाइन पर खुला भी है मार्केट, 10,176 के लेवल पर खुला है, तो निफ्टी करीब 22 पॉइंट ऊपर
172 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और गेल आज का टॉप गेनर भी है जो कि हमने देखा था करीब 3.5% ऊपर था। सेंसेक्स 80 पॉइंट ऊपर है लेकिन निफ्टी बैंक नेगेटिव, ये 22 पॉइंट नीचे है 25,027 के लेवल पर, तो 15-20 अंकों की गिरावट यहाँ पर शुरुआती ट्रेड में देखने को मिल रही है, जबकि सेंसेक्स 75 पॉइंट ऊपर है 32,500 के लेवल पर ये है और निफ्टी 10,170 के आसपास है, तो जो हाई था उसी के आसपास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। लेकिन टॉप गेनर है टाटा मोटर्स, खैर इसमें आज कॉर्पोरेट एक्शन था, ब्लॉक डील थी, तो ये करीब 4.25% ऊपर 422 के आसपास ये समय ट्रेड कर रहा है। गेल पर अच्छा मोमेंटम है, 414 का लेवल गेल पर इस समय देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स का DVR है विद इन निफ्टी जिसमें अच्छा मूव देखने को मिला है और साथ ही अंबुजा सीमेंट्स, M&M, सन फार्मा और एक काउंटर है जो कि करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, अच्छी मजबूती यहां पर है। और साथ ही और कुछ काउंटर्स जिस पर अच्छा मूव है, इसमें हीरो मोटोकॉप, इस पर खरीदारी की सलाह भी थी आज सुपरफास्ट फ्यूचर्स में हमने देखा था, ये करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार मिड कैप के गेनर्स को देखते हैं, यहाँ पर बायोकॉन टॉप गेनर था, ये अभी भी 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही गुजरात पीपावाव के काउंटर पर अच्छा मूव है, नेटको फार्मा और पेट्रोनेट LNG, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो खुलते ही निफ्टी ने एक नया हाई बनाया लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, वहाँ से LMBIC और एक काउंटर है जहाँ पर मूव है। और साथ ही अगर आप बाकी काउंटर्स को देखें जहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसमें DCB बैंक, इस पर हेमंत की खरीदारी की सलाह भी थी, उस पर हमने अच्छा मूव देखा है। अब देख लेते हैं जल्दी से जो कैश के गेनर्स हैं उसमें आज रुझान अच्छा कहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक तो भारतीय डिफेंस है, ये शुरुआती ट्रेड में ही करीब 10% ऊपर है, ये काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर। बॉम्बे डाइंग सरप्राइजिंग अपसाइड, आज भी 5% ऊपर है, 193 का लेवल है। गेल आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ NSE के कैश गेनर्स की सूची में है, करीब 4% ऊपर। नितिन फायर पर अच्छा मूव है, गुजरात गैस, MTNL, बायोकॉन, टाटा मोटर्स, ये सारे काउंटर्स शुरुआत में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। टाइड वाटर, यहाँ पर भी एक खबर थी, ये काउंटर करीब 2.25% ऊपर है। और साथ ही HCL इन्फो सिस्टम्स, ये काउंटर है जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहा है। जैकॉप, इस काउंटर पर करीब 2% का मूव देखने को मिला है। एक बार कल के लिस्टिंग को देख लेते हैं, डिक्सन, यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट खबर ये भी है कि SBI म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर ख़रीदारी की है और ये काउंटर इस समय करीब 3% ऊपर 2973 के लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए। तो ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर आज काफ़ी अच्छा रुझान शुरुआती ट्रेड्स में देखने को मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ कैसी है, बिकॉज तेज़ी से फ्लैट हुआ है मार्केट। निफ्टी में बस अब 5 अंकों की मजबूती है और सेंसेक्स बस 22 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक काफ़ी रेंज बाउंड, तो ये है ब्रेथ मार्केट की। 310 काउंटर्स हैं BSE पर जो कि नुकसान में है और NSE पर नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 322 है। BSE पर बढ़ने वाले काउंटर्स हैं 740, NSE पर बढ़ने वाले काउंटर्स 820 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स में एग्जैक्टली 50-50 का रेशियो है, तो आधे काउंटर्स बढ़त में हैं, आधे काउंटर्स नुकसान में इस समय ट्रेड करते हुए। हेमंत, क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? देखिए मीर, जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बाजार 10,200 के आसपास थोड़ा सा जो है प्रॉफिट टेकिंग देख रहा है, लेकिन मुझे इसमें ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इट्स अ गुड साइन मीर, क्योंकि मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि वन साइड रैली से बेटर है कि बाजार नया हाई बनाए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे एंड देन स्टार्ट्स मूविंग अप, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा पावर या ज्यादा स्ट्रांग हैंड्स का पता चल जाता है और जो ट्रेडिंग हैंड्स होते हैं वो कई बार निकल भी जाते हैं प्रॉफिट टेकिंग में। तो आई विल नॉट टेक इट एज अ बैड साइन एट ऑल, मेरे हिसाब से बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। अगर 20-30 पॉइंट निफ्टी स्लिप भी होता है तो देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज अभी हायर लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं है, थोड़ा नीचे जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवर में आ जाता है। मेरे को अभी भी वही लग रहा है कि 10,200 के कॉल राइटर पे हमें नजर रखनी चाहिए। अगर वो अनवाइंड नहीं करता है तो हो सकता है ये एक्सपायरी थोड़ा कंसोलिडेशन फॉर्म में निकले एंड देन वी स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड। तो बुल्स को मेरे हिसाब से एक ही नंबर दिमाग में रखना चाहिए, वो है 10,000। जब तक 10,000 नहीं टूटता है मीर, तब तक इट्स अ बाय ऑन डिप्स, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब वापस हम 250 निकालते हैं और कब 10,500 पे जाते हैं। तो 10,000 एक ऐसा नंबर है जो हमें लॉन्ग पोजीशंस के लिए रखना ही पड़ेगा अपने दिमाग में। राइट, आज जो स्टॉक्स गिर रहे हैं
उसमें HFCL डाउन 5%। उन्होंने एक्सचेंज को एक रिलीज भेजा कि उन्होंने इस जो रूमर्स चल रहे थे कि रिलायंस जियो के साथ मर्ज होगा उसको उन्होंने डिनाई कर दिया है। HFCL वीक लग रहा है। इनेबल्स रियल इस्टेट में भी थोड़ी सी वीकनेस है। राजेश, क्या करेंगे आप इन दो शेयर्स के साथ? देखिए, HFCL डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक काउंटर ऐसा है कि जिसने आउट परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में किया है। अगर आप देखिए 15 रुपए से लेके 35-36 रुपए तक, मुझे लगता है कि हार्डली 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन में हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग तो आना ही है। तो अगर यहाँ पे पोजीशन है तो डेफिनेटली वन शुड यूज़ दिस रैली टू लिक्विडेट लॉन्ग। एक बार के लिए लॉन्ग लिक्विडेट करें, डेफिनेटली करेक्शन में आपको कहीं ना कहीं री एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। अगर आप आज के लिए देखना है तो मुझे लगता है थोड़ा सा PSU बैंकिंग की तरफ भी ध्यान दें। अगर आप PSU बैंकिंग पे देखें तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा इज वन काउंटर की विच इज़ लुकिंग गुड टू मी। 140-145 का एक रेंज है कि जो इसको ये मेंटेन कर रहा है। अगर ये मेंटेन होता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा 160 का रहेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड करंट भाव से अच्छा दिखता है, तो अगर डिप मिलता है और अगर 142-144 के रेंज में एंट्री मिलेगा तो 140 का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग करिए। बिल्कुल, चलिए राजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अविनाश, इंट्राडे बेसिस पर निफ्टी अभी अभी ओपन होने के बाद थोड़ा लाल निशान में भी फिसला था, थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ही लग रहा है, लेकिन LNT आज ब्रीदर ले रहा है और साथ ही और कुछ हैवी वेट्स जो कि फिलहाल थोड़ा सा हल्का ट्रेड कर रहे हैं, इसमें ICICI बैंक है, ONGC है, इन्फोसिस है, HCL टेक है। इन्फोसिस पर आपका व्यू क्या है अविनाश इस समय? ये इसी दायरे में फंसा हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल, इनफैक्ट मीर मुझे लग रहा है कि यही रेंज में इन्फोसिस रहेगा, क्योंकि नियर टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा अर्निंग्स ट्रिगर आएगा। हालांकि बायबैक ही एक बड़ा ट्रिगर है जो अभी प्ले आउट होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक इन द नियर टर्म 940-950 विल बी अ नियर टर्म रेजिस्टेंस, बट क्लियरली बायबैक होने के बाद होपफुली नया CEO आता है, क्या स्ट्रैटेजी आउटलाइन होता है, इसके बाद ही मार्केट्स में इन्फोसिस के स्टॉक में एक अच्छा डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा। तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक विल रिमेन इन अ वेरी क्लोज कंसोलिडेशन काइंड ऑफ जोन। ठीक है, ऐसे भी एक छोटे शेयर्स हैं जहां हमने काफ़ी एक्शन देखा है। अविनाश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हेमंत, आज कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां अच्छा एक्शन देख रहा है वॉल्यूम्स पे भी, स्वान एनर्जी एक है, आपका कोई ओपिनियन है इस पे? न्यूज़ भी डेवलपमेंट है कि जो उनका फ्लोटिंग डीगैसिफिकेशन यूनिट है उसे मित्सुई अपना स्टेक इंक्रीज करना चाहता है, एनी व्यू ऑन स्वान एनर्जी? एक बार आप स्टॉक का नाम दोबारा बताएंगे प्लीज? स्वान एनर्जी। नहीं, मेरे ख्याल ये FNO में नहीं होगा तो मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा इसको, तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट। जी हाँ, ये FNO में नहीं है, लेकिन एक दो स्टॉक्स जहां पर आज भी काफी अच्छा मोमेंटम है, एक बार कैश के गेनर्स को देखें तो एक तो हिंदुस्तान रेक्टिफायर्स, ये करीब 8.5% ऊपर इस समय है। कल भी हमने TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफ़ी अच्छा मूव देखा था, आज भी ये काउंटर काफ़ी अच्छा चल रहा है, करीब 7.5% ऊपर है। इनफैक्ट TVS इलेक्ट्रॉनिक्स पर सर्किट फिल्टर तक रिवाइज हो चुका है, और इनफैक्ट अगर आप इसका मूव देखें TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का, वीकली बेसिस पर हम देखते हैं ये किस तरह से चला है, तो ये 2 से 3 सेशन में ही इसने काफ़ी अच्छी अपसाइड दिखाई है और आज भी ये करीब 7% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये काउंटर है जिस पर आप नज़र रख सकते हैं, एक हफ्ते में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग रुझान इस समय है। इसमें एक तो गुजरात गैस है जो कि 5% ऊपर है, बॉम्बे डाइंग है जो कि 5% ऊपर आज भी ट्रेड कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली चीज, पिछले एक हफ्ते से हम इनफैक्ट ये स्टॉक्स आपके रडार पर रख रहे हैं कि जहाँ भी इवन रिमोटली थोड़ा बहुत ई व्हीकल से लिंकेज है उन स्टॉक्स पर हमने काफ़ी एक्शन देखा है। तो ईऑन इलेक्ट्रिकल्स भी है जो कि आज फिर से एक बार 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का यह खबर भी आई थी कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लॉन्च करेगी आने वाले 3 साल में, तो उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर भी। बट कमिंग बैक टू बॉम्बे डाइंग, अब हेमंत ये रुकने का नाम ले नहीं रहा है, और जो जिसके पास नहीं है वो एक्चुअली इज जस्ट सल्किंग अगर नहीं है उसके पास, तो आपका व्यू क्या है बॉम्बे डाइंग पर? देखिए मीर, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आप इसको, और मैं एक और स्टॉक बोलना चाहूँगा DHFL,
ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनपे आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय रिवाइजिंग द स्टॉप लॉसेस, बिकॉज द चार्ट स्टॉक इटसेल्फ इज सजेस्टिंग सो मच स्ट्रेंथ. तो सब ओवरबॉट जोन्स में हैं, बट तब भी अपने आप को रैली में एक्सटेंड कर रहे हैं. तो आई वुड से दैट मुझे लग रहा है बॉम्बे डाइंग 202 तक जाना चाहिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, बट दीज आर ऑल नंबर्स विच वी कैन अचीव फ्रॉम सीइंग द चार्ट्स. एंड अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस शुड बी, क्योंकि जो गैप वो छोड़ता जा रहा है बाय गैप अप ओपनिंग, तो इट शुड बी रिवाइज टू 186. तो अगर 186 के नीचे जाता है तो ही आपको चिंता करने की जरूरत है, नहीं तो 202 का टारगेट है. और स्टॉप लॉस रखना इसलिए जरूरी है स्टॉक में क्योंकि ओवरबॉट जोन्स में है. इस बीच फनी शेखर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं. फनी, मॉर्निंग टू यू. शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. कल एक नया हाई बना भी मार्केट में, कल एक हमने बहुत अच्छी लिस्टिंग भी देखी. कल एक अच्छी चीज ये भी हुई कि फाइनली बुल्स को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिला टू स्प्रेड देयर विंग्स. कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय? सेंटिमेंट तो काफी पॉजिटिव है मेहर, और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आंकड़े आपने गिना है उससे क्लियरली पता लगता है. लेकिन हमेशा की तरह लेके स्टक रिकॉर्ड हम वही बात करना चाहेंगे कि जब तक हमको अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं है तब तक जो है ना आपको वो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस आता नहीं है कि मार्केट इन लेवल्स पे सस्टेन करेगा. और अभी इस समय जहाँ तक हम देख रहे हैं एटलीस्ट इस वित्तीय वर्ष में अर्निंग्स का इम्प्रूव होना मुश्किल है. तो अर्निंग्स का परफॉर्मेंस शायद वही रहेगा जो पिछले 3-4 सालों में आपने देखा है. तो कहीं ना कहीं जो है जब तक लिक्विडिटी और सेंटीमेंट अच्छा है तब तक जो है मार्केट्स हो सकता है नित नए हाई बनाए. लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब अर्निंग्स 15% को क्रॉस करेंगी, और ये साल शायद अर्निंग्स 10% के नीचे रहे. ये प्रॉब्लम है मार्केट के लिए फिलहाल. लेकिन फनी, इसमें एक तो जो अर्निंग्स की बात है वो, दूसरा इफ समवन वाज अ फंडामेंटल बायर तो उसके लिए दूसरी प्रॉब्लम मार्केट में ये है कि यू नो दैट बास्केट ऑफ स्टॉक्स जिसमें वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो या फिर मोर देन अट्रैक्टिव, नाउ आई वुड से कि रीजनेबल हो, वो बास्केट में दिन ब दिन ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं. जी, दो चीजें हैं मेहर. एक तो जहां पे फंडामेंटल्स ठीक लगती हैं वो महंगी होती जा रही हैं, आप सही हैं. एक दूसरा बास्केट भी है जहां पे जो है आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ता है जो इस समय अनपॉपुलर है, जो कंसेंसस में नहीं है, जैसे फार्मा है, आईटी है. वहां पे आप एक लंबी अवधि के निवेशक के नाते आप एक कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, लेकिन वहां पे जो है आपको बड़े धैर्य के साथ काम लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशंस वहां पे हो सकता है डीरेट भी हो और जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है. जैसे कि इस साल आपने देखा हो कि बड़े जो दिग्गज फार्मा कंपनियां उन्होंने एब्सोल्यूट लेवल पे नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं जबकि आपकी निफ्टी ने 20% रिटर्न दिए हैं. तो ऑलमोस्ट कुछ एक स्टॉक्स के अंदर, लार्जर फार्मा स्टॉक्स के अंदर -25% का अंडर परफॉर्मेंस भी है. तो जब तक आप, और इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस जो है ना किसी भी इन्वेस्टर के लिए लेना जो है मामूली बात नहीं है. तो या फिर आप महंगे से महंगे स्टॉक्स में लगातार पार्टिसिपेट कीजिए और अपना रिस्क बढ़ाइए, या फिर इस प्रकार का अंडर परफॉर्मेंस आप शॉर्ट टर्म में फेस कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स. तो चॉइसेस इजी नहीं है इन लेवल्स पे. बिल्कुल. चलिए, अब हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़े हैं, विवेक मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़े हैं, फनी तो हैं ही हमारे साथ, और साथ ही हेमंत ठुकराल भी हमारे साथ बने हुए हैं. तो शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से. श्रीकांत, क्या कर रहे हैं आप इस समय मार्केट में? अब कल नया हाई तो बन गया था, ऑप्टिमिज्म भी था थोड़ा, एंड ऑब्वियसली इस समय बहुत कम लोग हैं जो शायद ये मान भी रहेंगे कि 10,000 के नीचे भी फिसलेगा मार्केट यहाँ से, एटलीस्ट इन द नियर टर्म. सो दैट इनहेरेंट स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट लेवल तो है अपनी जगह पे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे जो निफ्टी ने प्रीवियस हाई क्रॉस किया है और टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये जो क्रॉस हुआ है वो विद अ गैप अप ओपनिंग हुआ है, थोड़े ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हो गए हैं. सो ओवरऑल अगर इस फॉर्मेशन को देखते हो तो मुझे लगता है कि शायद ये जो मार्केट है वो और एक एक्सटेंशन रैली कर सकता है और 10,300-10,350 के लेवल्स को आने वाले 4 या 5 दिन में छू सकता है. ऑन दी अदर साइड अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट में किसी भी वजह से अगर कोई रिएक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 10,040 ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल अभी बना हुआ है कि जब तक वो शायद मार्केट निफ्टी ना ब्रेक करे तब तक मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है और
बायोन डिप्स जैसा हो सकता है। तो आज के दिन में भी मुझे लगता है कि मार्केट एक शायद जो इसके प्रीवियस हाई थे 10,130-35 उन लेवल्स को वो छू के वापस रिबाउंड करने की कोशिश जरूर कर सकता है। और जैसे ओवरऑल ऑप्शन सेगमेंट को देखते हो तो 10,200-10,100 इन दोनों में काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग हो रहा है। तो समाव ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो उसका जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है और 10,100 के आसपास मार्केट को काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो करंट लेवल से हम हमारे क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस रहेंगे उनके 10,040 के पोजिशनल बेसिस पे। फनी हाय, गुड मॉर्निंग, विवेक हियर। आपसे जानना चाहूँगा जो IPOs आ रहे हैं उस पर क्या आपकी एडवाइस है निवेशकों को, खासकर ICICI लोम्बार्ड का तो अभी खैर खत्म होने वाला है आज, और SBI लाइफ इंश्योरेंस का भी आ रहा है और कई बड़े बड़े भी आ रहे हैं। ये जो IPOs की जो पाइपलाइन है अब तक जो अनाउंस हो चुकी है उस पर आपकी क्या राय है और क्या एडवाइस है निवेशकों को, अप्लाई करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विवेक। देखिए इन IPOs में आपको इनको दो खेमों में बांटना पड़ेगा, जो कि नई इंडस्ट्रीज के अंदर जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस की IPOs हैं जैसे कि इंश्योरेंस के अंदर खासकर, वहाँ पे हालांकि वैल्यूएशंस हाई हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इन्वेस्टर की जो एपिटाइट है, खासकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एपिटाइट है, वो कम होगी, जिसके चलते थोड़ा सा आपने अगर महंगा भी खरीद लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वहाँ पर आप खुला सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो दूसरे खेमे की बात है जहाँ पर कि छोटी IPOs हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो है विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लियरली एडवांटेज ले रही हैं एक अच्छे मार्केट सेंटिमेंट का। बहुत सी बिजनेसेस हैं जो कि नई हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रूवन नहीं है, तो इन्वेस्टर्स को क्लियरली ये जो दूसरा सेगमेंट है जो कि छोटे साइज की IPOs हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आप बड़े साइज की IPOs जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अच्छी है वहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए हेमंत, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जो दूसरा पहलू है फनी, आपने जैसे कहा IPOs में, अब जैसे डिक्सन की हम बात करते हैं, अब ये कल लिस्ट हुआ था, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन देखने को मिले, उसके बाद भी खबर आई इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कल भी बाइंग हुई है, अभी भी अपसाइड है, और इस तरह के 3-4 इश्यूज इसी साल में हम गिन सकते हैं, चाहे ये हो या फिर डीमार्ट, जिन सब में हमने बहुत अच्छी अपसाइड देखी है। अब यहाँ पर टिपिकली जिसे अलॉट नहीं हुआ था वो क्या करे, बिकॉज एवेन्यू सुपरमार्ट में यही हुआ डीमार्ट में, कि जिसे अलॉट नहीं हुआ था वो सोच रहा था लिस्टिंग के बाद थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा तब लूंगा, एंड इट नेवर हैपेंड। मीर, फंडामेंटली ये चीज है कि एज एन इन्वेस्टर आपको जो है अपने प्राइस का डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए हर इशू में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है एज एन इन्वेस्टर, आपका प्रिंसिपल बहुत बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जिन भी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करें वो सारी सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो अगर आप 10 इन्वेस्ट, क्योंकि कैपिटल सबके पास फाइनाइट होता है, अगर आप 10-15 इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको जो है अपनी स्ट्राइक रेट वहाँ पर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाहर बहुत सारी स्टॉक्स अच्छा करेंगी, बहुत सारे इशूज अच्छा चलेंगे, दैट्स ओके। तो अगर आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखें तो आपको सबसे लंबी अवधि में सक्सेसफुल होने के लिए एज एन इन्वेस्टर आपको प्राइस डिसिप्लिन का मेंटेन करना जरूरी है, जिसके चलते बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को चीज़ को चेज न करें। मैं मसलन आपको 2010-2011 में ले जाता हूं, उस समय भी बड़ा IPO का बूम चला था। अगर आप हिस्ट्री निकालें तो ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ दोज IPOs टुडे वो अपने 2010 मतलब 7 साल पुराने लिस्टिंग प्राइस के नीचे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के IPOs का भी वही हश्र होगा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स जो है और वैल्यूएशंस का मिलाप होता है लंबी अवधि में, और उस समय अगर आपने प्राइसिंग डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको पेनफुल रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। श्रीकांत, चार्ट्स पर इस वक्त ऐसी कौन सी कंपनीज हैं या सेक्टर्स हैं जो इंटरेस्टिंग लग रही हैं यहाँ से अपसाइड के बतौर? मुझे लग रहा है कि जो जितने भी PSU कंपनीज़ है जहाँ पे न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इसके ओवरऑल फॉर्मेशंस भी देखते हो तो उनमें काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है, और उनमें हमें लग रहा है कि जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन है, भारत अर्थमूवर है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है,
REC, PFC, इनमें काफ़ी अच्छे फॉर्मेशन है, और स्पेसिफिकली जो हमारी कॉल है वो है कंटेनर कॉरपोरेशन और शिपिंग कॉरपोरेशन के ऊपर। भारत अर्थमोर ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, हमें लगता है कि वो परफॉर्म तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो कंटेनर कॉरपोरेशन है वो मुझे लग रहा है कि इस प्राइस से हमें एक बाय एडवाइस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे कुछ पकड़ लीजिए एक 2% के आसपास के, लेकिन जो टारगेट्स रहेंगे वो यहाँ से काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं। तो PSU सेक्टर पे फोकस करिए, स्पेशली जहाँ पे गवर्नमेंट को अपना एक कंट्रोलिंग स्टेक डाइवेस्ट करना है। एविएशन सेक्टर में कोई ऐसी कंपनी है जो आपको इन लेवल से भी अच्छी लग रही है और काफ़ी ग्रोथ दे सकती है? ग्रोथ तो काफ़ी हो रही है सेक्टर में, 17-18% हर महीने ट्रैफिक बढ़ रहा है। चार्ट्स पर क्या दिख रहा है आपको एविएशन सेक्टर में, कोई अच्छी पिक है आपकी? मुझे लगता है कि एविएशन में हमें डेफिनेटली जो इंडिगो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके जो फॉर्मेशंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक करेक्टिव फेज में ये परफॉर्म कर रहा है या तो करेक्शन हो रहा है, और इनका जो लिंकेज है वो डायरेक्टली विद क्रूड प्राइसेस है, और वो सब तो अभी भी एक सेंटिमेंट वाइज चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ से एक साल का अगर नज़रिया हो तो मुझे लगता है कि इंडिगो एक ऐसा स्टॉक है कि जो यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1340 के आसपास तक अभी ये गया था कुछ हफ्तों पहले, तो यहाँ से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है, और 1050-1060 के करीब करीब इसमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन भी हमने पास्ट में देखा था। तो करंट लेवल से इसे एक बाय करके चल सकते हैं, और अगर थोड़ा सा अगर मिड साइज या तो स्मॉल कंपनी में जाना है तो मुझे लगता है कि स्पाइस जेट है कि जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो ये दो स्टॉक के साथ अगर हम एक साल तक अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। हेमंत, फनी आपने शुरुआत में ही अर्निंग्स की बात की, एंड लाइक यू राइटली सेड कि वो अर्निंग्स तो रिवाइव होती दिख नहीं रही हैं। अब इसमें एक दो स्पेस ऐसे हैं जिसमें हमने ऑन द अर्निंग साइड आल्सो अच्छा ट्रैक्शन देखा है, जैसे आप NBFCs में देखिए कंपनीज विच आर एक्सपोज टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग, वहाँ पर हमने अच्छा ग्रोथ आते देखा है। खैर, वहाँ पर वैल्यूएशंस भी ऊपर गई है एज अ रिजल्ट, लेकिन इन्हीं पर फोकस करना चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट यू कैन सी ग्रोथ कमिंग इन। मैंने वही कहा था मिहिर कि जो स्पेसेस फंडामेंटली अच्छी लग रही हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो ये रिस्क जब आप बहुत ज़्यादा महंगा खरीदेंगे तो ये रिस्क आप हमेशा कैरी करेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि चूंकि NBFC या फिनेंसिंग एज ए स्पेस को अगर आप देखें तो डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आपको जनरली प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो हो सकता है कि अगर आप इन वैल्यूएशंस पे खरीदें तो आपका वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो शायद ये हो सकता है कि अगर आप 1.5 से 2 साल आप अंडर परफॉर्म करें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप स्टॉक को होल्ड ऑन करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप डिसेंट रिटर्न्स बनाएंगे। शायद यही कारण है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, चूंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा इस समय फ्लो हो रहा है, तो यही शायद कारण है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़े HNI इन्वेस्टर्स हैं इन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं। फनी, अगर IT और फार्मा सेक्टर की बात करें तो क्या जो आप अभी पर्सपेक्टिव एक दे रहे थे वहाँ रेलेवेंट रहेगा? क्या आप मानते हैं कि वहाँ पर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे कंपनीज अब होंगी जो अट्रैक्टिव है? बेशक 1-1.5 साल लगे उनमें कुछ तेज़ी आने में, लेकिन फ्रॉम अ 5-year पर्सपेक्टिव ठीक रहें? जी बिल्कुल, फार्मा मोर देन IT, क्योंकि फार्मा में हमने जो देखा है कि हम थोड़ी बहुत हमने डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर हमने थोड़ी सी जो है इन्वेस्टर्स की घबराहट देखी है। एट द सेम टाइम USFDA ज़्यादा एक्टिव हुआ है, जिससे इंडिविजुअल कंपनियों में इश्यूज आई हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं 3 से 5 साल का अगर आप व्यू लें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें स्ट्रक्चरल डिमांड कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई डिसरप्शन हम देखते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस अंडर परफॉर्मेंस के बाद खासकर जो दिग्गज फार्मा कंपनियां हैं वहां पे अगर आप के पास धैर्य है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अंडर परफॉर्मेंस पिछले 1 साल का अगर आप देखें तो काफ़ी स्टार्क है, क्या ये अंडर परफॉर्मेंस 1 और साल जारी हो रह सकती है? हो सकता है जारी रहे, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल का व्यू ले तो मुझे लगता है ये काफ़ी आकर्षक स्तर हैं जहाँ पे कि आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच अगर हम श्रीकांत बैंक्स की बात करें, खासकर PSU बैंक्स की, तो इस समय एटलीस्ट वो संकेत तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिवाइवल यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर इनकी बुक्स में सुधार हो जाएगा। तो एक जो कंसिस्टेंट डीएलोकेशन हमने PSU बैंकिंग साइड में देखा है एंड जो इंक्रीज्ड वैल्यूएशन प्लस एलोकेशन हमने प्राइवेट बैंकिंग साइड में देखा है, इसी ट्रेंड को आप कंटिन्यू होता देख रहे हैं क्या?
मेहर, मुझे लग रहा है कि जो PSU बैंक्स हैं इनमें डेफिनेटली जितने भी बैड रीजन आने थे या तो न्यूज़ फ्लो आने चाहिए थे, मुझे लगता है कि वो आ चुके हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर आप इन्हें देखते हो तो पिछले अगर आप 3 महीने का अगर आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड लेते हो जून से लेकर अभी तक का, तो इनमें काफ़ी एक बड़ा एक ट्रेडिंग रेंज बना हुआ है और ये सभी स्टॉक अपने वापस प्रीवियस लोस के आसपास आके रुके हुए हैं। सो 3 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टेट बैंक था एक 270 के आसपास, वहाँ से वो 315 जाने के बाद वापस 270 आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये जितना ओवरऑल जैसे मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है कि जहाँ पे एट ईच लेवल बाइंग आ रहा है, वहाँ पर मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स को इस लेवल पर खरीदारी करके अगर चले तो मुझे लगता है कि उसमें मुनाफा हो सकता है, स्पेशली स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास हैं, और यहाँ से एक अच्छा रिवाइवल हमें ऐसा लग रहा है टेक्निकली कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। इस बीच हमने अभी अभी इकोनॉमिक की बात की, अर्निंग्स के रिवाइवल की बात की, ये चिंता सिर्फ बाजार के लिए नहीं सरकार के लिए भी है और इसीलिए इकोनॉमिक की समीक्षा करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाकी जो अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। ये प्री स्केड्यूल मीटिंग नहीं है, इसे अभी अभी कल ही इसकी घोषणा हुई थी कि ये बैठक होगी और इस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी शामिल होने वाले हैं और ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की, खासकर जो MSME सेक्टर है उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है और क्या किया जाना चाहिए, इन सब की बातचीत होगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक, तो ये एक तो आउट ऑफ टर्न मीटिंग है और क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस बैठक में? देश के मौजूदा आर्थिक हालात की समीक्षा को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, इस मायने से काफी अहम है क्योंकि अगर देखें तो पिछले 6 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ग्रोथ रेट गिर रहा है। 5.7% फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है जो कि पिछले जो क्वार्टर में उससे कम है और ये स्थिति एकाएक नहीं आई है, ये लगातार इकोनॉमी की स्थिति जो है धीरे धीरे कह सकते हैं कि बिगड़ती जा रही है। एक समय जो माना ये जा रहा था कि इकोनॉमी ब्लूम कर रही है, हर तरफ काफ़ी अच्छा माहौल है, एकाएक स्थिति काफ़ी ख़राब हो रही है और देखें तो सबसे पहले जो कंसर्न है वो है GDP ग्रोथ का। इसके अलावा अगर देखें तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वहाँ पर भी काफ़ी गैप आ गया है और ख़ासतौर से एक्सपोर्ट्स की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है देश में। साथ ही साथ जो GST जो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जिसे सरकार गेम चेंजर मान के चल रही थी अभी तक, उसको लेकर काफ़ी समस्या आ रही है। टेक्निकल दिक्कतें अपनी जगह हैं, व्यापारियों की दिक्कतें अपनी जगह हैं, लेकिन साथ ही साथ जो रेवेन्यू का जो इशू है, करीब जो सरकार ने कहा था कि GST से करीब 90-96 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिटर्न देने में ही सरकार के पास काफ़ी पैसे निकल जाएंगे, करीब 56-57 हज़ार करोड़ पर निकल जाएगा और सरकार के पास कुछ खास बचेगा नहीं, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा अगर देखें तो जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं लगातार धीरे धीरे बढ़ने की बात हो रही है और आने वाले जो विंटर सीजन होता है अमूमन देखा जाता है कि क्रूड जो है हमेशा हाई पे रहता है, तो ये भी एक अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है। और पेट्रोल डीजल की स्थिति को देखते हुए आप देख ही रहे हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से और पूरे हर जगह से प्रेशर सरकार पर लगातार बनता जा रहा है, तो इन तमाम जो अभी आर्थिक हालात हैं इसको लेकर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और आगे का एक रोड मैप समझने की कोशिश करेंगे या वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से एक रोड मैप लेंगे जिससे कि जो ग्रोथ है ग्रोथ को बढ़ाया जा सकते हैं। और इस बैठक में खासतौर से जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम एक प्रेजेंटेशन पेश करेंगे और इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने तमाम जितने भी बड़े टॉप ऑफिशियल्स हैं, जितने सेक्रेटरीज हैं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के, वो वहाँ पर बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक प्रधानमंत्री जो ले रहे हैं ये इस मायने से काफ़ी अहम है क्योंकि सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी की वो अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे बिगड़ रही है या फिर जो एक उम्मीद की जा रही थी ग्रोथ की वो ग्रोथ निकल कर सामने नहीं आ पा रही है जो कि मोदी सरकार चाहती थी। जी, ये मीटिंग आज हो रही है और इस पर नजर हमारी बनी रहेगी दिन भर। फनी, मैक्रोज कितने बुरे लग रहे हैं इस वक्त और क्या मार्केट उम्मीद कर रही है कि कोई रेट कट हो सकता है अगली पॉलिसी में, हालांकि इन्फ्लेशन भी अब चढ़ रही है, तो मैक्रो जो पिक्चर है ये उतनी अच्छी लग नहीं रही। जी, मैक्रो को देखने का नज़रिया है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैक्रो हालत मैं सहमत हूँ कि उतनी ठीक नहीं है, लेकिन उसका सोल्यूशन शायद रेट कट नहीं होगा क्योंकि आप एक ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो लेंडर हैं जैसे बैंक्स हैं
उनकी भी समस्या है बैलेंस शीट की, जो वो लैंड नहीं कर पा रहे हैं, और जो बोरोवर है उसकी भी समस्या है कि वो पैसे उठा नहीं पा रहा है, उसकी भी बैलेंस शीट हालत की हालत खराब है। तो कहीं ना कहीं आप जो है जब इस समस्या से बाधित हैं तो रेट कट्स का विशेष लाभ नहीं हो पाता, तो इसको जो है रिजॉल्व होने में आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिमांड को ही स्टोक करना पड़ेगा, और उन सेक्टर्स में जहाँ पे कि इस समय सरकारी स्पेंडिंग हो रही है, मुझे लगता है कि उसी को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इससे निकलने का कोई आसान मार्ग नहीं है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो पूरा एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसको क्रिएट होने में 5 से 7 साल लगे हैं, तो मुझे लगता है इसके रिजोल्यूशन में भी शायद उतना ही टाइम जाएगा। बिल्कुल। अब जो दूसरा पहलू है, जैसे आपने खुद भी कहा था शुरुआती जवाब में फणी, कि मार्केट में मोमेंटम अच्छा है, आंकड़े अच्छे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह रही है लिक्विडिटी। अब फेड की 2 दिन की बैठक भी शुरू हो रही है आज से, इनफैक्ट इट इज़ स्लेटेड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग इस पूरे साल में। उसमें इनफैक्ट जो बॉन्ड की बिकवाली है उस पर भी फैसला हो सकता है। आपका व्यू क्या है इस पर, क्या वाकई ये बैठक डायरेक्शनली कोर्स चेंज कर सकती है मार्केट्स का ग्लोबली, या फिर ये प्राइस्ड इन है लुकिंग एट द यूएस इकोनॉमी? देखिए, जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फेड अपनी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करेगा, नंबर वन। दूसरा ये है कि जिस प्रकार की उन्होंने एसेट्स परचेज कर रखी हैं क्रेडिट क्राइसिस के बाद, और अपनी बैलेंस शीट को उन्होंने बढ़ा दिया था, बैलेंस शीट को वो श्रिंक करेंगे, जिसका मतलब है कि वो एसेट्स बेचना शुरू करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। फ़र्क केवल इतना है कि क्या ये अगले 6 महीने में शुरू होगी या अगले 2 साल में शुरू होगी। आई थिंक जो मार्केट है वो इसी आर्बिट्राज में खेल रहा है, तो जो बुल्स को लगता है कि 2 साल के बाद शुरू होगी, और जो लोग स्केप्टिकल हैं उनको लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में शुरू होगी, इसीलिए आप रूटीनली जो है बाउट्स ऑफ वॉलिटिलिटी देखते रहते हैं। बियॉन्ड दैट मुझे लगता है इट्स अ गिवन दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जरूर देखेंगे कि पॉलिसी रेट्स वेस्ट के अंदर नॉर्मलाइज होगी। उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि डॉलर मजबूत होगा, फ्लोस बहुत हद तक जो है रिवर्स होंगी एमर्जिंग मार्केट्स से, और उसके लिए कहीं ना कहीं एमर्जिंग मार्केट्स को तैयार रहना पड़ेगा। श्रीकांत, फार्मा स्पेस में कोई एक दो कंपनीज जो आपको इन लेवल्स पर अच्छी लग रही? देखिए, हमें फार्मा में एक सन फार्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस इस बार देखा गया है, 465 से लेकर ये 490 और उसके बाद 530 के लेवल्स को उसने कुछ 3 या 4 दिनों में ही छू लिया है। तो ये जो ओवरऑल एक काफ़ी एक शार्प रिकवरी का जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को छू के एक बॉटम रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना लिया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो 570 के लेवल्स को आने वाले 1 या 2 दिन में छू सकता है। आज के दिन में भी इसमें काफ़ी अच्छा एक बुलिश फॉर्मेशन बन रहा है, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अरबिंदो फार्मा और सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये दो पे भी हमें फोकस करना चाहिए, बिकॉज इन दोनों के भी फॉर्मेशंस उतने ही स्ट्रांग है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद अपने प्रीवियस हाई को आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है, इसमें काफ़ी अच्छा एक बॉटम रिवर्सल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। और अरबिंदो फार्मा में हमारी एक पोजिशनल कॉल है कि जहाँ पर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाइज को जो 890 या 900 के करीब के थे उसे ही आने वाले कुछ महीनों में क्रॉस कर सकता है। तो ये 3 पे हमारा एक स्पेसिफिक बुलिश व्यू है, और कॉन्ट्रा व्यू अगर लेना है तो मुझे लगता है कि बायोकॉन पे ले सकते हैं इस प्राइस से, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा एक करेक्शन हो चुका है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल ये स्टॉक टेक्निकली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में जा रहा है, तो यहाँ से इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़त आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। इस बीच कुछ एक स्टॉक्स विद इन निफ्टी अगर हम देखें फणी, जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करते रहे हैं निफ्टी की अभी तक की जो जर्नी है इसमें, देन यू हैव स्टॉक्स लाइक रिलायंस, या फिर ITC, LNT, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, इन सब ने काफ़ी ट्रैक्शन दिया है इंडेक्स को। इन्हीं स्टॉक्स में अपसाइड दिख रही है आपको, या फिर कोई चर्निंग या रोटेशन विद इन निफ्टी आप होता देख रहे हैं एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न? मुझे नहीं लगता कि कोई लीडरशिप के अंदर चर्न आप देख पाएंगे, क्योंकि जिन जो नाम आपने लिए हैं ये वो नाम हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस के भी फेवरेट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये वो नाम है जहाँ पे अर्निंग्स भी ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द निफ्टी। इसके अंदर आप HDFC बैंक को भी जोड़ सकते हैं, इसके अंदर
हो सकता है दो से तीन तिमाहियों में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे नाम भी जुड़ जाएं, स्टेट बैंक जैसे नाम जुड़ जाएं, तो दो तीन और इसमें नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ बट लार्जर स्टोरी ये है कि यही 9-10 नाम होंगे जो निफ्टी को लीड करेंगे। फनी, क्या रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां फिर एक बार नजर पड़ रही है एक आध जो फ्रंटलाइन कंपनीज है? ये बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक प्ले है विवेक, इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार रियल एस्टेट स्टॉक्स के अंदर अचानक स्पर्ट आती है और उसके बाद पता नहीं चलता उनका क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिकली कई बार इन्वेस्टर्स व्यू लेते हैं, लेकिन जनरली इस सेक्टर को अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एंड यूज़र ना कि इन्वेस्टर, एंड यूज़र वापस मार्केट में आए जिससे कि डिमांड बढ़े। वो कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में आप होते हुए दिख नहीं रहे हैं, खासकर आप अर्बन सेक्टर्स की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक आप सस्टेनेबली आप इसके अंदर खरीदारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल किस प्रकार के नतीजे आएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं लेवरेज्ड हैं। जब आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हो तो आप तो ओनली वे इज़ कि आपके अंदर जो है इक्विटी इन्फ्यूज़ हो, और अगर आपके अंदर इक्विटी इन्फ्यूज नहीं हो सकती तो अगले 2-3 साल में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो आप तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा भरोसा मिलेगा कि ये कर्ज चुकाया जा सकता है। तो जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी, और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा डिमांड वापस नहीं आती एंड यूजर की, तब तक मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबली इसके अंदर कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, चलिए अब देखते हैं आज का सुपर शेयर कौन सा है। रजत है हमारे साथ, रजत बताइए। बिल्कुल, एक और स्मॉल कैप कंपनी है आर्कोटेक लिमिटेड। देखिए ये जो कंपनी है, पहले तो मैं इसका बिजनेस बता दूं, ये कॉपर ब्रास रॉड्स, फॉयल्स, शीट्स और साथ साथ जो कॉइन ब्लैंक्स होते हैं वो बनाती है ये कंपनी। और देखा गया पिछले कुछ दिनों में हायर लेवल्स पे थोड़ा स्लिप हुई है, लोअर लेवल्स पे आप खरीदारी के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के नंबर्स कंपनी रिपोर्ट की है, क्वार्टर वन मुनाफा लगभग 5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और साथ ही साथ टेक्निकली डेली और वीकली चार्ट बहुत मजबूत हैं, 88-90 एक इंपॉर्टेंट लेवल जिसको बार बार अटेम्प्ट कर रहा था, उसके नीचे जाने की नहीं कर पाया। अब हायर लेवल्स पे जो टारगेट निकल के आते हैं ब्रोकर्स का औसत लक्ष्य वो लगभग 120 का है इस पर्टिकुलर शेयर में। ये ध्यान में रखें कि आज अगर ये चला तो 100 का मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही एक अपर लिमिट है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो ब्रोकिंग हाउसेस के टारगेट्स हैं वो 120 के हैं। ऑपरेटिंग और नेट कैश फ्लो दोनों पॉजिटिव हैं, और गोइंग फॉरवर्ड अगर डेट कम होता है तो एक और बूस्टर डोज इस कंपनी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आर्कोटेक पे आप बेट लगा सकते हैं फॉर 120 टारगेट, पोजिशनल कॉल है ये। बिल्कुल, चलिए तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। फिलहाल काउंटर करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। फनी, एक अच्छी चीज़ ये है मार्केट में कि एक तरफ आपने सही कहा शायद अर्निंग्स के चैलेंजेस वगैरह हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आईपीओ पाइपलाइन है आने वाले समय में, जिस तरह का पेपर आने वाला है मार्केट में, दैट ऑल्सो लुक्स एक्साइटिंग। एक तरफ तो इंश्योरेंस के कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि एक के बाद एक आ रहे हैं, हमने म्यूचुअल फंड AMCs की पाइपलाइन देखी है, फिर सरकार की तरफ से अच्छा खासा डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो उस पर नजर रखना बेहतर होगा इफ देयर इज अ जेन्युइन अर्निंग्स प्रॉब्लम इन द सेकेंडरी मार्केट। देखिए कहीं ना कहीं वहां पे भी आपको अर्निंग्स पे नजर रखने की जरूरत है, और वो पूरी इकोनॉमी से अलग नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, चूंकि अगर आप AMCs की बात कर लें या फिर इंश्योरेंस कंपनी की या सरकार की तरफ से जिस प्रकार की कंपनियां इस समय पेश की जा रही हैं, जैसे NHAI की हम बात सुन रहे हैं कल से, तो इस प्रकार का जब पेपर आएगा तो मोस्ट ऑफ दिस पेपर सनराइज सेक्टर्स के अंदर हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और वो छोटी से मध्यम अवधि के अंदर अर्निंग्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जिसके चलते दो चीज़ें होंगी, एक तो ये कि बड़ी वैल्यूएशंस के ऊपर, अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर ये पेपर शायद मार्केट में, जब तक सेंटीमेंट और लिक्विडिटी ठीक है, बड़ी वैल्यूएशंस के ऊपर शायद मार्केट में ये पेपर वो बेच पाएंगे, और उसके अंदर अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट कर भी जाता है तो भी जो है अगले एक साल तक शायद उसको उतनी चैलेंजेस फेस नहीं करेगा वो, जो कि ब्रॉडर मार्केट में वो फेस कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आईपीओ पाइपलाइन की क्वालिटी क्या है, और जो नाम आपने गिनाए हैं वो बेहतरीन क्वालिटी है, तो वो ज़्यादा रिलेटिवली बेटर स्पेस है।
श्रीकांत, ये फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो चार्ट्स पर कैसे दिख रहे हैं आपको? काफी तेजी देखी हमने इनमें, लेकिन आज कुछ हद तक बिकवाली हो रही है, लेकिन इट्स बीन क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग रैली इन ऑल दीज ग्रुप शेयर्स। हाँ विवेक, अगर आप जैसे बता रहे थे कि काफ़ी अच्छी रैली देखी गई थी, और अगर आप मिडल ऑफ अगस्त से देखेंगे तो इनमें एक वर्टिकल ट्रेंड देखा गया था, और मुझे लगता है कि शायद अभी उसमें एक कुल ऑफ आ रहा है, और शायद ये कुल ऑफ और एक दो दिन चल सकता है, क्योंकि जो रैली थी वो तकरीबन हर एक स्टॉक को ऑलमोस्ट 70-80% जितना उसने एक रिट्रेसमेंट दिया था। तो फ्यूचर कंज्यूमर जो है, एफ कंज्यूमर, उनमें हमारी एक स्पेसिफिकली बुलिश की राय है, बाय की राय है, और करंटली वो चल रहा है कुछ 65 के आसपास। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करेक्ट होकर शायद 57-58 के लेवल्स को आने वाले कुछ दिनों में छू सकता है, उसके करीब करीब इसे लेना चाहिए, या तो कोई भी करेक्शन अगर आने वाले दिनों में अगर मार्केट में दिखाई दे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम एफ कंज्यूमर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। जी चलिए श्रीकांत, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और फनी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।